हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर धनपत मिश्रा आज फिर से एक गंभीर टॉपिक पे लेके आया हूँ ये वीडियो। सबने कल का एक व्यू देखा होगा, न्यूज़ देखा होगा बाबा केदारनाथ भगवान का। कल 1 लाख लोगों ने बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन किए, और दर्शन करने वालों की संख्या कम है। वहाँ पे रील्स बनाने वाले और DSLR कैमराज लेके वीडियोज़ कैप्चर करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कल कम से कम 70-80 हज़ार लोग 12-13 घंटे से ज़्यादा फंसे रह गए। ना पानी है, ना खाना है, ना कुछ है। अब जो बुजुर्ग जाते हैं चार धाम यात्रा, हमारे हिंदू धर्म में बोला जाता है। अब आप देखिए, जो शंकराचार्य को नहीं फॉलो कर रहा है वो हमारी बात क्या मानेंगे। हमारे हिंदू धर्म में बोला गया है मोक्ष तभी मिलता है जब चार धाम की यात्रा की जाती है, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब वो वृद्ध लोग जो ये सोच के जाते हैं कि हमारा चार धाम हो जाएगा और हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे, वो कल 12-12 घंटे फंसे रह गए। अगर उनके दिल से पूछिए बिना पानी के कैसे रह पाए होंगे वो लोग जो 60 साल के ज़्यादा एज के हैं। तो जो कल, अभी मैं एक वीडियो क्लिप का पोर्शन डालूँगा, देखिएगा। कल जो दर्शन हुआ, 1 लाख लोग ज़्यादा दर्शन नहीं कहूँगा, जो बाबा केदारनाथ धाम में 1 लाख से ज़्यादा लोग पहुँचे हैं, जो सिर्फ वीडियोज़ बना रहे हैं, उनके जाने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वहाँ पे हिमस्खलन हो गया, बर्फ़ गिरने लगी पिघल के, इतना ज़्यादा CO2 इंक्रीज़ हुआ। साइंटिस्ट भी बोले हैं इसको कंट्रोल करिए, नहीं तो बाबा केदारनाथ धाम का जो एरिया है वो ख़त्म हो जाएगा। और इतनी गंदगी फैली है, मंदिर परिसर के लोग कह रहे हैं इतनी गंदगी फैल गई कल के दिन कि जो हम लोग नदियों का पानी जो ऊपर से नीचे आता है तो अच्छा समझ के उसको हम उसको ग्रहण करते हैं, तो वो पानी भी दूषित हो गया है। ये वहाँ के मुख्य पुजारी का कहना है। कल वहाँ पे उज्जैन के कुछ ढोल ताशे वाले, इनका ग्रुप है, वो क्या करते हैं, देश के कोने में जाके अपना वीडियोस बनाते हैं, ताशे बजाते हैं और गिनीज बुक ऑफ अवार्ड का काम करते हैं नाम डालने के लिए। जैसे ही उन्होंने अपना ढोल ताशे का काम शुरू किया, बजाना शुरू किया, 4 घंटे के अंदर वो हिमस्खलन होके गिर गया बर्फ। वीडियोस में देखिएगा, अभी डालूंगा। तो वहाँ के जैसे इन्होंने शुरू किया बजाना, मुख्य पुजारी से रहा नहीं गया, वो तुरंत आए, इन लोगों को डांटा, ढोल को अपने हाथ से उठा के फेंका। बोला उन्होंने कि ये सब मैं नहीं होने दूंगा, और ये दर्शन करने की जगह है, ये तमाशा करने की जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ बजेगा तो बाबा केदारनाथ धाम का ही ढोल बजेगा, मंदिर परिषद का ढोल बजेगा। तो आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, जो आपके दोस्त यार ये सोच रहे हों कि जाके वहाँ रील्स बनाएंगे, तो उनको समझाइए वो चार धाम यात्रा है, कोई शिमला और लद्दाख लेह नहीं है जहाँ पे हम पिकनिक स्पॉट समझ के वहाँ पे जा रहे हैं। और एक बात ये कहना चाहूँगा, अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो क्या वहाँ पे कैमरा और DSLR कैमराज और मोबाइल फ़ोन ले जाना बैन करना चाहिए? 5 किलोमीटर पहले बैन होना चाहिए, और अगर किसी के पास मिला उसको 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाना ही चाहिए। ये मेरा व्यू है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो आप कमेंट में यस और नो लिख के भेजिएगा, और मेरी बात अगर आप मेरी बात से सहमत है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। और ये वीडियो व्यू डालूंगा वो आप देखिएगा, देखने के बाद आपको सब चीज़ मैं जो कह रहा हूँ आपको सामने सच्चाई आ जाएगी। वो ग्लेशियर जो था वो कैसे, वो बर्फ़ का पहाड़ पिघल के नीचे आया है विद इन 4 आवर्स में। तो जो धाम है उसको धाम समझो आप लोग, अय्याशी का अड्डा मत बनाओ। हमारी जो पवित्र नदियाँ नीचे आ रही हैं जिनको हम ग्रहण करते हैं, वो मल मूत्र का एक वो हो जाएगा, उसको आप ऐसा मत होने दो। तब तक ले चलता हूँ, बाबा केदारनाथ सद्बुद्धि दे, हमारे देश को बाबा केदारनाथ बचाएं, जो ये सब काम हो रहा है इन सब चीज़ों से दूर रखें। और कलयुग में जो बातें कही गई हैं पहले, वो बातें अब सत्य हो रही हैं धीरे धीरे, कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब विनाश में जाएंगे, वो चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, कमेंट में आप बताइए कैसा लगा। तब तक ले चलता हूँ, बाबा केदारनाथ धाम की जय, हर हर महादेव। मंदिर का ढोल है वो बजेगा सिर्फ, ये फालतू तमाशा। तुम लोग तमाशा करने आ रखो यहाँ, क्या तुम नाचने के लिए आते हो यहाँ पे? क्या भगवान के दर्शन के लिए रखो, नाचने के लिए रखो, तमाशा नशा करने के लिए रखो? ये चीजें नहीं चलेंगी यहाँ पे, मैंने बोल दिया। जिसने परमिशन बोल दे रखी मेरे सामने लाओ,
जिसकी किसने दी परमिशन बताओ, जिसने भी परमिशन दी मेरे सामने लाओ, क्यों नहीं करा? आज के बाद दिखना नहीं चाहिए मुझे केदारनाथ में, ठीक है? हटा जल्दी। कई युवा ऐसे जो रील बना रहे हैं उन पर, ये तुम नशा करने आ रहे थे रील बनाने आ रहे हो तुम लोग, नाथ में घुड़दंगी करने आते हो यहाँ पे? घुड़दंगी करनी है मत आइए, शांत रखे यहाँ को, ये ढोल हटा। आज के बाद बजना नहीं चाहिए, मैंने बोल दिया मंदिर का ढोल बजेगा, फिर जिसने परमिशन दी मैं वो भी पिटेगा, तुम भी पिटोगे, चाहे कोई भी दे परमिशन, डीएम साहब भी परमिशन दे, एक बार मुझे पूछा केदार सभा।